सुजानगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव परवान पर है। विभिन्न जगहों पर आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में मां दुर्गा के भक्त उमड़ रहे हैं। दुर्गा पूजा सेवा समिति के अमर सिंह भाटी ने बताया कि भोजलाई चौराहे पर स्थित राव वीदाजी संस्थान में नवदुर्गा पूजा सेवा समिति द्वारा पिछले 13 वर्षों से नवरात्रि के अवसर पर 10 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाती हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए आसपास ग्रामीण क्षेत्र में काफी संख्या में श्रद्धालु आकर के माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि सुजानगढ़ में कई जगहों पर माँ दुर्गा के पांडाल सजे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोजलाई चौराहे पर स्थित राव वीदाजी संस्थान में नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव में आध्यात्मिक ज्ञान भी देखने को मिलता है। यहाँ भोजलाई चौराया नव दुर्गा सेवा समिति की तरफ से पिछले 13 वर्षों से यह कार्यक्रम निरंतर किया जा रहा है। शानदार तरीके से झांकियाँ अलग अलग दिन से की जाती है और बहुत ही शानदार दृश्य है। और सबसे शानदार जो कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ सुजानगढ़ में यहीं पर होता है। राव वीदाजी सेवा संस्थान में पिछले 13 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये कार्यक्रम वैसा बड़ा दिव्य होता है। यहाँ आसपास ये जो भोजलाई रोड का इलाका बसा हुआ है, ये ग्रामीण क्षेत्रों का ही है और हर गांव से भी इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। खेती किसानी से जुड़े काफ़ी लोग हैं। आज थोड़ा बरसात का विशेष मौसम रह गया अनफॉर्चुनेटली, हालांकि बरसात का मौसम नहीं है, हम सब जानते हैं अक्टूबर में लगभग सर्दियाँ शुरू हो जाती है, बट कुदरत के आगे सभी नतमस्तक हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन ये सब लोग मिलकर करते हैं। सुजानगढ़ में जितने कार्यक्रम दुर्गा पांडाल के होते हैं, मेरी नज़रों में ये सबसे बेस्ट होता है। विशेष बात है कि इसमें कोई